तो जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी इंडिया से, तो आईएनडी मनी ऐप अकाउंट ओपनिंग करके किस तरह से यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पिछले वीडियो में बात किया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑलरेडी यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके किस तरह से अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या फिर अगर आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देख के आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग करके आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि अगर आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हो, विड्रॉ करके अपना बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो, किस तरह से विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यूएस स्टॉक का पैसा को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आईएनडी मनी ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि यूएस स्टॉक पे कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है और कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने के लिए जिस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया है उस स्टॉक को सबसे पहले तो सेल करने होंगे, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हो, उस पैसे को बैंक अकाउंट में ले सकते हो। माय यूएस स्टॉक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिस यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया है वो यूएस स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस यूएस स्टॉक पे क्लिक कर देंगे और वो यूएस स्टॉक को आपको सबसे पहले तो सेल करनी होगी, जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट किया है, जितने का शेयर आप लिया है। तो यहाँ पे सिंपली सेल करने के लिए सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इस ऑल इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हो नीचे पे ऑप्शन मिल जाता है, ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। कितना रुपए आप इन्वेस्टमेंट किया है, कितना डॉलर आप यहाँ पे डॉलर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली सेल करने के लिए प्लेस सेल ऑर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे प्लेस सेल ऑर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से प्रोसेस होके अपना जो कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सेल प्लेस प्रोसेसिंग होने में यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर टाइम चाहिए। तो चलो हम इसको 24 आवर टाइम दे देते हैं। 24 hours later तो यहाँ पे लगभग दोस्तों मेरा 4 दिन हो चुका है और यहाँ पे स्टॉक से विड्रॉ होकर वॉलेट पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने का वो अमाउंट आपको यहाँ पे यूएस वॉलेट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यूएस वॉलेट पे वो अमाउंट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यूएस वॉलेट से अपना बैंक अकाउंट में लेना है, विड्रॉ करना है। तो जब अपना स्टॉक से यूएस वॉलेट में आ जाए तब आपको बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है अपना, तब जाके आप बैंक अकाउंट में इस पैसे को ले सकते हो। तो विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नीचे पे ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है विड्रॉ, आप विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, जितना रुपए आप अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो। तो जैसे कि मेरा वॉलेट पे है जितना रुपए, हम उतना रुपए यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करनी है कि विड्रॉ करने के लिए, जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कितना जीएसटी है, कितना चार्जेस है, यहाँ पे अपना चार्जेस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म एंड विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होके ये अमाउंट जो कि अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉ प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट विड्रॉ होगा, कब तक विड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे डेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपना ट्रैक रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूएस स्टॉक पैसे को यूएस वॉलेट में ऐड करके अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो।